हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीता। वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डे 5th टू डे 8 ऑफ माय थाईलैंड ट्रिप। डे 1st टू डे 4th का जर्नी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में शेयर किया हुआ है। डे 5th को हम लोग फुकेत एयरपोर्ट से निकले बैंकॉक एयरपोर्ट की तरफ। बैंकॉक एयरपोर्ट में हम लोग कैब से वहाँ से गए पटाया, जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट था वोरावरी रिजॉर्ट। ये सारा अरेंजमेंट मेक माई ट्रिप की तरफ से हुआ था। वोरावरी रिजॉर्ट इवन दो इट्स ए 4-स्टार रेटेड होटल, बट उसके जो रूम क्वालिटी थे वो बहुत ही पुअर थे। उस दिन हमारे पास कुछ ज़्यादा था नहीं और हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, तो हम लोग रूम पे ही रेस्ट किए। नेक्स्ट डे MMT की तरफ से प्री बुक कोरल आइलैंड विजिट था। वहाँ पे हम लोगों ने सी वॉक एंड पैरासेलिंग किया। उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया था, आई थिंक 1500 टू 2000 पर पर्सन। मुझे सी वॉक में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हम लोग 25 फीट नीचे गए थे पानी के अंदर। वहाँ पे हम लोगों ने सी लाइफ देखा। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट ये स्कूबा डाइविंग से काफ़ी ईजी है, एंड आपको इवन दो स्विमिंग नहीं आता है तब भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे वो लोग आपके बहुत सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस क्लिक करेंगे, आपको एंड में हैंड ओवर करेंगे। तो इट्स ये एक बहुत ही एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी एक बार सी वॉक ट्राई करने के लिए। इवनिंग में हम लोग अल्कज़ार शो गए थे। ये थाईलैंड का बहुत ही फेमस शो है। ये 2 घंटे का शो रहता है और ये ऑडियंस को इतना एंगेज रखता है बिकॉज ऑफ देयर वे ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड जो स्टेज सेटअप कॉस्ट्यूम जो होता है ये बहुत ही यूनिक रहता है। सारी चीज़ बहुत ही ब्राइट एंड वाइब्रेंट रहता है। आपको ऐसा फील होगा कि आप एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं। और ये जो सारा परफॉर्मेंस रहता है वो लेडी बॉयज़ ही करते हैं। एट द एंड ऑफ द शो ये लेडी बॉयज़ बाहर आते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ टिप्स के आप उनके साथ फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। मेरे तरफ से ये एक मस्ट सी है, आपको मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी आप एक बार अल्कज़ार शो ट्राई कीजिए। अल्कज़ार शो के बाद हम लोग निकल गए वॉकिंग स्ट्रीट। ये बहुत ही एक फेमस स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको फूड के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको नाइट क्लब्स मिल जाएंगे, पब्स मिल जाएंगे एंड बहुत सारे बार्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे हम लोग वोरावरी रिजॉर्ट में ही टाइम स्पेंड किए टिल 12:30। 12:30 को हम लोग निकल गए थे फ्रॉम पटाया टू बैंकॉक और हमारा होटल बैंकॉक में था IBIS, इट्स इन सुखमबित सोई 4। इवनिंग में हमारे पास टाइम था तो हम लोग नियर अराउंड लेन में घूम रहे थे। वहाँ पे भी बहुत सारे पब्स थे, हम लोगों ने वहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड किया था। नेक्स्ट डे मेक माई ट्रिप के तरफ से एक प्री बुकड हाफ डे पैकेज था, जिसमें हम लोगों ने वाटफोर टेम्पल एंड जेम्स फैक्ट्री कवर किया। वाटफोर टेम्पल का मेन अट्रैक्शन था रिक्लाइनिंग बुद्धा, विच वॉज वेरी यूज। उसका जो लेंथ था 46 मीटर्स एंड हाइट था 15 मीटर्स। उसके अलावा भी बहुत सारे बुद्धास की मूर्ति थे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे, बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइंस था, वो बहुत ही आई प्लीजेंट था वो ओवरऑल टेम्पल एंड स्टैचूज। उसके बाद हम लोग गए जेम्स फैक्ट्री। थाईलैंड बेसिकली जेम्स के लिए फेमस है, मेनली फॉर रूबी। उन लोगों ने हमें सारा प्रोसेस बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम कटिंग ऑफ द जेम्स टू कन्वर्टिंग इनटू द ज्वेलरी। और वहाँ पे बाइंग ऑप्शंस भी था, आप ज्वेलरी खरीद भी सकते हैं वहाँ पे फ्रॉम द शोरूम। नेक्स्ट हम लोग गए सी लाइफ। ये मेक माई ट्रिप के पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था, उनके जो गाइड थे वो हमें ये सजेस्ट किए थे। तो उन लोगों ने हमें सियाम पैरागन सेंटर में ड्रॉप किया। इट्स ए ह्यूज मॉल। उसका जो लोअर सेक्शन था, लोअर ग्राउंड था, इट्स अराउंड लाइक 1000 स्क्वायर फीट। तो वो पूरा था सी लाइफ कॉम्प्लेक्स। और सी लाइफ में आपको बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ एक्वाटिक लाइफ देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल क्रीचर्स टू स्नेक्स टू वेरी ह्यूज शार्क्स आपको देखने मिलेंगे। जो हम लोग नॉर्मल साइज देखते हैं, कैटफिश हो गया, कछुआ हो गया, उसके 3-4 times हमें देखने को मिल रहे थे। और वो बहुत ही कलरफुल फिशेस थे वहाँ पे। तो ये बहुत ही अमेजिंग था, एक्सपीरियंस था। आपको वहाँ पे फोटोज़ क्लिक करने के लिए बहुत सारे प्लेसेस बनाए गए थे अलग से। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और एंड में जब हम लोग निकल रहे थे तो वहाँ पे एक वाटर टनल था, तो आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े शार्क्स हो गए, बड़े बड़े क्रीचर्स रेप्टाइल्स हो गए, वो कैसे स्विमिंग कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग गए लोकल स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के लिए बहुत वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें मिलते हैं। और जो वेस्टर्न वेयर है उसके कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा जो थाई के जो लोकल डिज़ाइंस है उस पैटर्न में आपको स्कर्ट्स, ब्लाउज एंड जैकेट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे इवनिंग को हमारा रिटर्न फ्लाइट था टू इंडिया। हमारे पास होल डे था कुछ करने के लिए, सो वी डिसाइडेड टू गो टू फ्लोटिंग मार्केट। वहाँ पे सारे फ्लोटिंग मार्केट थ्रू आउट द वीक अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो उस दिन जो भी फ्लोटिंग मार्केट अवेलेबल था, ओपन था, हम लोग वहाँ पे गए। IBIS के होटल साइड में ही एक एजेंट थे, वहाँ से हम लोगों ने एक पैकेज लिया टू कवर अ फ्लोटिंग मार्केट एंड शुगर फैक्ट्री इन दैट फ्लोटिंग मार्केट एरिया।
ये जो फ्लोटिंग मार्केट रहते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे होम डेकोर आइटम्स, कलेक्टेबल्स, ज्वेलरी एंड फूड आइटम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक अलग सा ही एक्सपीरियंस था। देन वी कम बैक टू आवर होटल IBIS और हमारे पास काफ़ी टाइम था। हमारा फ्लाइट 6:30 PM इवनिंग को था, तो हम लोग यहाँ पे काउच पे बैठ के चिल मार रहे थे। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि मेरा जो थाईलैंड ट्रिप था वो बहुत ही अच्छा था। और आप अगर एक नेचर लवर है, आप सी फूड लवर है, आपको एडवेंचरस ट्रैवलिंग पसंद है, आपको नाइट लाइफ पसंद है और आप कुछ थ्रिलिंग करना चाहते हैं ट्रैवलिंग में, तो डेफिनेटली आप एक बार थाईलैंड ट्रिप करके आएँ।